आ गई तुम? अरुज, मैं देख रही हूँ कि मेरी इजाजत के बगैर आजकल तुम्हारा बहुत आना जाना हुआ है। कहाँ गई थी तुम? काम से गई थी। वाह, बड़ी हिम्मत आ गई है। रास्ते भी आ गए और हिम्मत भी। वैसे भी आपने तो अपना रास्ता अलग कर लिया, अब मुझे खुद ही अपना कुछ करना पड़ेगा। तुम क्यों फिक्र करती? एक बार इंशाल्लाह मेरी फयाज से शादी हो जाए, मैं तुम्हारा भी सोचूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बस बहुत मेहरबानी आपकी, मैं अब मजीद आपके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकती, मैं खुद कर लूंगी अपना कुछ। वाह, अच्छा बताओ ना जरा क्या कर लोगी? नौकरी नहीं है, डिग्री नहीं है, पैसे नहीं है, अमेरिका जा नहीं सकती वापस, इसका मतलब समझती हो तुम? कि तुम मारिया को कभी वापस नहीं ले पाओगी। ठंडे दिमाग से सोचो, बस एक बार फयाज और मेरी शादी हो जाए, तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। अच्छा क्या करेंगी आप? अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करूंगी, ख्वाब दिखाऊंगी और फिर तुम्हारी आंखों से ताबीर उचक कर अपने दामन को सजा दूंगी। मैं कोई पपेट नहीं हूं, इंसान हूं। मैं जवाद से सच में मोहब्बत करने लगी थी, जिसको आपकी लालच ने निगल लिया। मीना जी, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जवाद को मिले तुम्हें जुमा जुमा 8 दिन हुए और दुखी लव स्टोरी भी हो गई, पागल हो गई हो तुम? बस मान लो कि जवाद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, कुछ इस तरह से फयाज मेरी किस्मत में है। नोट कर रही हूँ, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, कंट्रोल करो। हाँ मैंने सोचा है कि एक बार मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं फयाज के घर शिफ्ट हो जाऊंगी, इस घर को मैं किराए पर उठा दूंगी, तुम अपना बंदोबस्त कहीं और ढूंढ लो। मामी? क्या मामी, जो फैसला किया है वो बता रही हूँ तुम्हें। हाँ फिलहाल मैं तस्नीम के जा रही हूँ। भाई कुछ बोलेगा भी ऐसी खामोश खड़ा रहेगा, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूं। देख मेरे भाई, मैं कोई टेलीपैथी तो जानता हूं नहीं कि आपके दिल के राज जान लूंगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे क्यों लग रहा है तुझे मोहब्बत हो गई है फिर से? तुझे याद है ना लास्ट टाइम मुझे जब मोहब्बत हुई थी तो क्या हुआ था? उस लड़की को इनकार करके उसका हाथ मैंने अपने भाई के हाथ में दे दिया, आज उसे मैं अपनी भाभी कहता हूँ, तो मोहब्बत नहीं। तो फिर क्या मसला है मेरे भाई? जब मैं जर्मनी गया कोर्स के लिए तो अम्मी को एक लड़की पसंद आई मेरे लिए, तो उन्होंने बात की उससे शादी की, वो मान गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसे मना करना पड़ गया। क्यों नहीं इनकार कर दिया? खानदानी कुछ मसले हमारे, इस वजह से उसे मना करना पड़ा। अब क्या इतनी पसंदीदगी है कि आंटी के खिलाफ जाएगा तू? हाजिर पसंदीदगी की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उससे पहले मना लिया फिर एकदम से उसे इनकार कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? यार तू किस ख्वाबों में जी रहा है? आजकल की लड़कियां एक नहीं दो नहीं 1000 चॉइसेस रखती हैं, उनको कोई बेस्ट ही चाहिए होता है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। तो फजूल में परेशान हो रहा है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस आंटी की ना नाराजगी का सोग मना रहा है और कोई बात नहीं है। वो ऐसी लड़की नहीं है भाई, बात तो यही सच है। और मेरे भाई अगर आप वाकई उस लड़की से मोहब्बत करते हैं ना तो आंटी को कायल करें, मैं तो कहता हूँ पैर ही पड़ लें उनके। पहली मोहब्बत तो आप खो ही चुके हैं, कहीं आंटी की नाराजगी की वजह से दूसरी ना खो दें। वैसे आजकल की माएं भी ना थोड़ी अजीब हो गई हैं, मान जाती है तो मान ही जाती हैं और अड़ गई तो छोड़। आ रहा है, चले आ जा।